हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। और देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और जीरो नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाई है, जीरो से एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। और साथ में हमने उनकी कैप भी बनाई है, वो भी बहुत ही आसान है बनाना। और फ्रेंड्स, इस ड्रेस को आप ऑल साइज में बना सकते हो। ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ड्रेस बनाने के लिए चोली हमने बना ली है और चोली का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप बना सकते हो। अब देखिए, अब हम घेरा बनाएंगे। घेरे का फर्स्ट रो हम इसी कलर से बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन, और फिर इसी चैन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चैन में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी हमारी चैन है, सभी चैन में से हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सभी चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, घेरे के फर्स्ट रो को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, अब हम इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर लगाएंगे, वन चैन बना के इसको जॉइंट कर लेंगे, टू थ्री, थ्री चैन बना के हमें इसी चैन में से वन टू थ्री की चैन को भी काउंट करेंगे, थ्री, और देखिए फोर, फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर डबल क्रोशिया बना के सेंटर में हम वन चैन लेंगे, फिर वन चैन को स्किप करेंगे, सॉरी टू चैन को स्किप करेंगे, फिर थर्ड चैन में से हम फिर से फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री, और देखिए फोर, फिर सेंटर में वन चैन लेंगे, और देखिए वन और टू चैन को स्किप करेंगे, और थर्ड चैन में से फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री। फिर टू चैन को स्किप करेंगे, फिर थर्ड चैन में से बनाएंगे वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में वन चैन, फिर वन और टू चैन को स्किप करेंगे और थर्ड चैन में से बनाएंगे वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर लिया है और अब हम लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे वन चैन बना के हमें यहाँ पे इस चैन में से इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड करना है ऐसे। अब देखिए वन टू थ्री, थ्री चैन, और फिर इसी चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री की चैन को भी काउंट करेंगे, थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने थ्री बनाया था, सॉरी हमने फोर बनाया था, नेक्स्ट में हमने वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेंटर में टू चैन लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में से बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव,
फाइव डबल क्रोशिया, फिर वन टू टू चैन, फिर नेक्स्ट में से फिर वन टू टू चैन। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपना ये रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। सभी में फाइव फाइव डबल क्रोशिया बनाई है और सेंटर में हमने टू टू चैन ली है। अब लास्ट में भी हम यहाँ पे टू चैन बना के इसको इसमें से जॉइंट कर लेंगे, इसकी थर्ड चैन में से। ऐसे अब यहाँ पे हम इसके सेंटर में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए, जहाँ पे हमने फाइव डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड करना है। अब हम इस कलर से बनाएंगे, ऐसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे फाइव डबल क्रोशिया के सेंटर में से इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में से वन डबल क्रोशिया, सॉरी वन सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से बनाना है। एक और हम बना के दिखा देते हैं आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में से वन डबल सॉरी वन सिंगल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपना पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिक्स डबल क्रोशिया बना ली। अब हम यहाँ पे इसके सेंटर में से इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट कलर लगाना है, इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए सभी चैन में से हम स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे इस तरीके से सभी चैन में से करना है हमें। ऐसे एक यहाँ से बना लेंगे इसमें से, और देखिए एक हम सेंटर में से बनाएंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे। सभी चैन में से बनाना है इसी तरीके से। सभी चैन में से वन वन स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में से बना लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में से बनाएंगे। इधर भी हमें सभी चैन में से बनाना है। पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। फिर एक सेंटर में से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से बनाते हुए हम अपना रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही सभी में स्लिप स्टिच करते हुए सभी चैन में से। अब हमें लास्ट में इसको कैसे जॉइंट करना है। देखिए एक यहाँ पे हम सेंटर में से बना लेंगे स्लिप स्टिच, और एक जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं पे हम बना के इसको धागे को कट कर देंगे।
ऐसे एक चैन बना के धागे को कट करना है और धागे को हमें अंदर ही ऐड कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बन के रेडी हो गई। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इस पे चोली पर आउटलाइन भी बना सकते हो। अब देखिए हम उनके लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए देखिए धागे को हमें पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और एक रिंग बना लेनी है इस तरीके से। फिर 1 2 3 थ्री चैन बनाएंगे। थ्री चैन बना के फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में से ऐसे। हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 10 डबल क्रोशिया, 3। देखिए हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd चैन में से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर लेंगे और जो हमारा ये धागा है उसको हम अंदर की तरफ ऐड कर देंगे क्रोशिया की हेल्प से। देखिए इस तरीके से हम अंदर कर देंगे इसको, जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट कलर जॉइंट करना है। मैंने इस पे यहाँ पे जॉइंट कर लिया है नेक्स्ट कलर को। अब जैसे हमने ड्रेस में डिजाइन बनाया है उसी तरीके से हम कैप में डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। ड्रेस में हमने 3 चैन बना के बनाया था, इसमें हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। 2 चैन को भी काउंट करेंगे, हमारे यहाँ पे 2 हाफ क्रोशिया हो गए। 3 हाफ क्रोशिया बना के सेंटर में 1 चैन लेंगे और 1 चैन को स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चैन में से 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 हाफ क्रोशिया के सेंटर में 1 चैन लेंगे ऐसे। 1 चैन को स्किप करेंगे, इसे नेक्स्ट में से बनाएंगे। 1 चैन को स्किप करना है। हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया थे तो हमारे यहाँ पे ये 5 बन जाएंगे। एक एक चैन को हमने स्किप किया है। वन चैन लेके फिर हमें इसको यहाँ पे सेकंड चैन में से जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके सेंटर में आ जाएंगे जहाँ पे हमने 1 चैन बनाई थी। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट कलर जॉइंट करना है। इस कलर को जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन लेंगे। फिर देखिए हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 फिर 2 चैन। अब की बार हमें 2 चैन 1 चैन एक्स्ट्रा लेनी है। इसमें हमने 1 चैन ली थी, इसमें सेकंड में हम 2 चैन लेंगे और 3 हमें हाफ क्रोशिया बनाना है।
देखिए 3½ क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे। फिर 1 2 2 चैन, फिर यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेंगे सेकंड चैन में से। देखिए इस तरीके से हमारी कैप का लुक आया है। अब देखिए हम इसके सेंटर में आ जाएंगे फिर से, जैसे हमने ड्रेस में बनाया था उसी तरीके से हम कैप में भी बना लेंगे। अब यहाँ से हम इस कलर को जॉइंट करेंगे जो हमारा इसका सेंटर का है। अब देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके सेंटर में से इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। जैसा हमने ड्रेस में बनाया था सेम ऐसा ही बनाना है, पर हमें डबल क्रोशिया कम करने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाएंगे लास्ट में। अब फिर से हमें इसको इसके सेंटर में से जॉइंट कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सेंटर में से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सेंटर में से जॉइंट करेंगे इसको। लास्ट में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे जहाँ से हमने इसको शुरू किया था बनाना ऐसे। अब हम लास्ट का रो बनाएंगे नेक्स्ट कलर से। जैसे हमने ड्रेस में स्लिप स्टिच किया है ऐसे ही हम कैप पे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले हम सेंटर में से बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, फिर हम सभी चैन में से बनाएंगे 1-1 टाइम्स। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए जैसे हमने ड्रेस पे बनाई है ऐसे ही हम कैप पे बना के बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कैप को कम्प्लीट कर लिया है और हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी और कैप भी बनके तैयार हो गई। और देखिए फ्रेंड्स देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, जब लड्डू गोपाल जी पहनेंगे काफ़ी सुंदर लगेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अनुसार ले सकते हो। थैंक यू।